लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। जिला पठानकोट में समाज सेविक कार्यों और मेधावी जरूरतमंद छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु मदद करने की ओर अग्रसर विद्या एजुकेशन सोसाइटी की ओर से आज श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का शिविर लगाया गया। प्रधान विजय पासी की देखरेख में लगाए गए शिविर में हेल्पिंग सोशल क्लब के प्रधान त्रिलोक नंदा विशेष रूप से उपस्थित हुए। शिविर में जिन छात्राओं को लर्निंग लाइसेंस बनाए गए थे उन छात्राओं के पक्के लाइसेंस बनाने हेतु कार्यवाही पूरी की गई। प्रधान विजय पासी ने कहा कि सोसाइटी समय समय पर इस तरह के कैंप लगाकर छात्राओं की मदद करती है। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए त्रिलोकी नंदा ने सोसाइटी के कार्य को सराहा तथा अपनी तरफ से हर तरह की सहायता का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती पूनम रामपाल ने विजय पासी और उनकी टीम का धन्यवाद किया। मौके पर उनके साथ आरके खन्ना, अवतार अवरोल, त्रिलोक त्रेहन, अध्यापिका सारिका बलजीत भी उपस्थित थी। सोसाइटी जो कि हमेशा ही महिला के उत्थान के लिए कार्यरत रहती है, इसी कड़ी में आज हमने यहाँ पे श्री गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल में ड्राइविंग लाइसेंस का एक कैंप लगाया। यहाँ पे पहले हमने सबसे पहले ट्रैफिक सेमिनार लगाया था, उसके बाद बच्चों के लर्निंग लाइसेंस बनाए गए थे। जो जो लर्निंग लाइसेंस होते हैं उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ की होती है। 6 मंथ से पहले पहले आज हमने जिन बच्चों के हमने लर्निंग लाइसेंस बनाए थे उनके परमानेंट फॉर्म भरे हैं, उनके फीस वगैरह हो जो भी फॉर्मेलिटी यहाँ पे करा ली गई है। अब हम एसडीएम साहब से डेट लेके उनका ऑफिस में फिर ये बच्चे वहाँ पे जाएंगे, इन बच्चों का वहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट होगा। पहली लर्निंग में तो रिटन टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट होगा। ट्रैक के ऊपर ट्रैक बना हुआ है, वहाँ पे जो बच्चे ड्राइविंग टेस्ट में पास हो जाएंगे उनको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। ये जो लाइसेंस मिलता है ये बच्चे को 50 साल की उम्र तक मिलता है। अगर ये इनकी अब 22 साल की या 16 जितनी भी उम्र है 50 साल की उम्र का इनका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। जनपद पठानकोट से सूरज सैनिक रिपोर्ट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।